हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो फैटी लीवर है उसको बनाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, क्यों लीवर फैटी हो जा रहा है। फैटी लीवर इन द सेंस कि जो लीवर में उसमें फैट इकट्ठा हो जा रहा है, और फैट इकट्ठा हो जा रहा है तो उसी क्या बोलते हैं आप, फैटी लीवर। तो देखिए, फैटी लीवर के पीछे जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो भी हम लोग पेन किलर लेते हैं ना, पेन किलर, किसी पेन को हल्का फुल्का दर्द होता है कहीं पे तो हम लोग तुरंत पेन किलर यूज करते हैं। तो पेन किलर का कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि बॉडी पर एडवर्सली इम्पैक्ट डालते हैं। होता क्या है, जब भी आप पेन किलर लिए, स्टमक में जाता है, स्टमक से सिमुलेट हो जाता है, ब्लड सप्लाई में आता है, ब्लड सप्लाई से उस आर्गन तक पहुंचता है जहां पे उसको काम करना रहता है। वहां से काम करके चाहे जहां पे जाए शरीर से, घूम फिर के उसको कहां पे आना है, लीवर में आना है। तो लीवर को उसको तोड़ता है ना। देखिए, जितने भी पेन किलर हैं सब स्टमक से लीवर में आते हैं, लीवर इनको तोड़ता है जब इनका काम हो चुका होता है। लीवर तब तोड़ेगा जब इनका काम हो चुका होता है। मुख्यतः उपयोग में लाया जाने वाले पेन किलर कौन कौन से है, आइब्रोफेन है, सुमो है और निमसलाइड है। दिक्कत क्या है कि यही सब पेन किलर यदि अधिक मात्रा में ज्यादा दिनों तक लिया जाता है तो लीवर के सेल को डैमेज करते हैं। यही जो पेन किलर आप ले रहे हैं, अगर इसको ज्यादा दिनों तक लिए हैं तो जो लीवर की जो सेल है उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। जब लीवर की सेल डैमेज करेगा तो काम लीवर ठीक से कर पाएगा नहीं। जब लीवर ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो उसका काम पेंडिंग होगा। जब उसका काम पेंडिंग होगा तो मटेरियल उसमें इकट्ठा होने लगेंगे, इंक्लूडिंग फैट भी। जब इकट्ठा होने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे आप, फैटी लीवर। यानी यही सब पेन किलर यदि अधिक मात्रा में ज्यादा दिनों तक लिया जाता है तो लीवर की सेल को डैमेज कर देते हैं। और लीवर की सेल अगर डैमेज हो गई तो लीवर के काम पेंडिंग हो जाएगा, मटेरियल इकट्ठा होने लगेंगे। जितने भी पेन किलर हैं उनका कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे वैसोडायलेशन, ठीक है, वैस्कुलर परमेबिलिटी, ये सब क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। यानी जहां पे वेसल्स को डायलेट होना चाहिए वहां पे डायलेट उतनी नहीं हो पाती जितनी जरूरत है। और क्या है, ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन, जो लंग्स की जो सप्लाई है उसमें जो ब्रांकस होता है उसको, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, उसको नैरोइंग कर देता है, उसका पाथ जो है कम चौड़ा हो जाता है। तो नॉरेन हो जाने की वजह से क्या होता है कि ठीक से आदमी सांस नहीं ले पाता। और क्या है, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंजाइम सिक्रेशन, जो कि एंजाइम है जो डाइजेशन के लिए जो जरूरी है, उनका सिक्रेशन कम हो जाता है। और सीरियस एक्यूट लीवर इंजरी, धीमे धीमे लीवर को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। जब लीवर को डैमेज करेंगे तो लीवर जब कमजोर हो जाएगा तो हेपेटाइटिस बी या फिर और जॉन्डिस, इन सब डिजीज की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा रीजन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन फार्मेशन डिक्रीज कर देता है अगर इस बार पेन किलर लेते रहते। प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी के लिए एकदम जरूरी केमिकल्स है, इसकी वजह से कई हार्मोन और कई चीजें बनती हैं, जिससे इसकी अगर कमी हो जाए, प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी हो जाए तो आदमी नपुंसकता भी आ सकती है। तीसरा से देखा जाए तो जितने भी आप पेन किलर लेते हैं उन सब के इफेक्ट की वजह से ही लीवर फैटी हो रहा है। तो आप पेन किलर को कम से कम लें, पेन किलर अवॉइड करें, एकदम जरूरी हो तभी पेन किलर लें, या फिर जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं उनसे कंसल्ट करके तब पेन किलर लें। अपने से पेन किलर खाने की आदत न डालें, अदरवाइज लीवर आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ डैमेज होगा। तो इस तरह से हम लोग लीवर को फैटी होने से बचा सकते हैं और पेन किलर का यूज कम से कम करें।